हे व्हाट्स अप बडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तब मैं कह रहा हूँ GTA 5। तो जैसे कि तुम लोग को याद होगा कि लास्ट वीडियो में मेरे गैराज में से गाड़ी चोरी हो गई थी, जो कि अभी नहीं है। तो पता नहीं मैं गाड़ी किससे चुरा ली है। तो अभी अपन जाके देखते हैं, मतलब किसी ना किसी को घर पे पता ही होगा ना कि किसने चुराई है। जिमी इधर ही है, तो जिमी से पूछते। तो अभी गाइस मैं फ्रैंक जिमी से बात करके आया। तो जिमी बोलता है कि उसको तो मालूम नहीं किसने चुराई है गाड़ी, पर एक बंदा है फ्रैंकलिन नाम का, उसको सब मतलब उसको बहुत ऐसा बंदे है जो कि मतलब ढूंढ सकते हैं गाड़ी को, और वैसे गाड़ियों का मतलब उसको गाड़ियों की बहुत नॉलेज है, और वो एक डीलरशिप में भी काम करता है। मतलब वो मेरी हेल्प कर सकता है कि मेरी गाड़ी ढूंढने में किधर गई है। तो अगर अपन उसको डायरेक्टली तो नहीं बताएंगे कि ये ऐसा ऐसे गाड़ी है, चोरी की गाड़ी इम्पोर्टेड है। तो वो बोल रहा था कि ये एफ लोकेशन है ना मैप पे उधर जाने के लिए, और उसने अपने को जिमी ने लोकेशन दी है, वो इधर रहता है, तो उसको पता है कि वो बता सकता है अपने को। तो गाइस देखो, अब मैं पहुँचने तो वाला उसके घर के इधर। तो अभी अरे इसका पूरा कच्चा ही उड़ा दिया मैंने। तो ये क्या फ्रैंकलिन भाई, तो फ्रैंकलिन को जानता है क्या? नहीं। अरे भाई कौन है, क्या निकालू क्या निकालू मैं, वो मार दिया तेरी तो। हाँ मेरे से पंगा हो जाएगा दंगा। ये किसी को और मार खाने का, रुक आ जा। कौन? अरे कुत्ते, ए ले। अरे भाई कुत्ते को मारा, गाड़ी वाले ने अपने को ठोक दिया। ए भाई क्या जास्त, अरे हाँ ज़्यादा उड़ रहे थे। अरे कौन आया मारने के लिए? कुत्ते तो अभी गोली खाया, तो शर्म नहीं आती क्या? कौन है कौन बंदे, पता नहीं क्यों मेरे को मारने के लिए आ गए। अबे जा ना, तू मर गया था ना भाई, नाटक करता हाँ बेशरम। अरे पुलिस पीछे पड़ गई, शिट। वे फ्रैंकलिन के पास आने का ही पनौती है, फ्रैंकलिन पनौती है। मैं अच्छा खासा आया था पूछने के लिए, वो जानता है क्या, टकले को पूछा था भी मैंने कि तू जानता है क्या फ्रैंकलिन को, वो बोलता है नहीं जानता, और ये बंदे मारने के लग गए मेरे को। तो जा भाई पुलिस जा, तेरे को कुछ नहीं मिलेगा मेरे पास। गाड़ी छोड़ देते इधर ही, अपन ऐसे ही भागते। हेलीकॉप्टर तो नहीं है ना, चढ़ रहे क्या लोग? ये लोग ऊपर का भी आ गए। शिट, आई पुलिस वालों से मेरे को मारा पीटी करनी पड़ेगी। पुलिस चल तू मर जा। ये क्या होता क्या, मर गया। ए यार भीम फालतू का पुलिस पार्टी पीछे पड़ गए, तो उसको दिखा नहीं शायद से मैं। आज देख लिया शिट। अरे यार, तो गाइस अपन फिर से आ चुके हैं, अभी जाते हैं अपन फ्रैंकलिन के पास बिना किसी मारा पीटी के। क्या ए रुक रे, ए यार इसके लिए भी कॉल करना पड़ेगा। ए हेलो, हाँ टैक्सी भेज, भले मेरे बाजू में है टैक्सी। हाँ चल भाई जल्दी चल जल्दी चल। तो गाइस अभी उसने छोड़ दिया टैक्सी लाने मेरे को इधर, तो ये उसका घर है, अपन जाते हैं। ए भाई फ्रैंकलिन खोल खोल, ए खोल रे। तो गाइस बहुत टाइम हो गया इधर खड़े रह के, तो दरवाज़ा खोल तो नहीं है, मतलब कि इधर पीछे भटक रहा होगा, या फिर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता पीछे। अपन एक बार देख के आते पीछे हुआ तो अच्छा है, नहीं तो फिर से जाते अपन जिमी के पास। तो ये लगता है शायद से फ्रैंकलिन भाई, तो फ्रैंकलिन है क्या? तो गाइस देखो यही है फ्रैंकलिन, मैंने इसको सब बता दिया है कि अपनी गाड़ी चोरी हुई है। मैंने इसको ये भी बताया कि वो मेरी गाड़ी नहीं थी, मेरे दोस्त की गाड़ी थी, इम्पोर्टेड थी। इसको पता है कि मैं एक दिन ऐसा बाहर गया था एक बंदी को मिलने के लिए, और मेरी गाड़ी चोरी हो गई। मैंने इसको सब बताया है कि मेरे दोस्त की गाड़ी थी, ऐसे इम्पोर्टेड थी, ऐसा वैसा। फिर वो बोलता है मैं बाद में कॉल करता हूँ तेरे को, फ्रैंकलिन बोलता है मैं कॉल करता हूँ तेरे को, फिर तू आ जाना मेरे पास। कि अगर अभी तो जाएगा अपने मतलब उसके जो कॉन्टेक्ट्स हो गए ना, उधर जाएगा उन लोग से पूछेगा ऐसी ऐसी गाड़ी देखी क्या। मैंने इसको फोटो तो नहीं दिखाया, बस वो बताया मॉडल नंबर ऐसा वैसा। अरे भाई कितने मैम वो पीछे पड़ गए, भाग 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 भाग, आपने कहा मैटिन देने का फिर से मर जाएंगे। मैंने इसको बताया तो है कि ऐसा मॉडल नंबर बताया, नंबर प्लेट बताया है, तो ये अभी बोलता है मैं अपने बंदों को पूछता हूँ जो अभी इधर थे ना, जब मेरे पीछे मारने के लिए पड़े। मैं इसको ये भी बताया कि मैं थोड़ी देर पहले आया था,
और उन लोगों ने मेरे को मार दिया क्योंकि मैं एक बंदे को पूछ रहा था तेरे बारे में, तो लोग मारने के बिचारे। तो बोला अरे मतलब वो क्या बोला फ्रैंकलिन कि ये जो बंदे है ना वो मेरे ही बंदे है, मतलब समझो थोड़ा फ्रैंकलिन थोड़ा गैंग टाइप में रहता है। हाँ मतलब यार पुलिस पीछे पड़ गई, तो मतलब फ्रैंकलिन एक टाइप का सस्ता सा गैंगस्टर ही है और उसके कॉन्टैक्ट बहुत सारे, कोई मैटर वेटर लेने हैं उसको मार डालेगा, उसके कॉन्टैक्ट बहुत सारे हैं पर वो इतना खुद गैंगस्टर टाइप बन के नहीं रहता, नॉर्मल जिंदगी जीता है। उसका घर भी देखा तुम लोगों ने कितना फालतू सा था, तो उसका घर भी देखा तुम लोगों ने कितना फालतू सा, तो क्या बोला मेरे को कि मेरे बारे में इतना पूछो मत, किसी को बताना भी मत। वो सीख अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखता है, वो जॉब भी करता है एक जगह पे, उधर भी उसने अपना नाम फ्रैंकलिन नहीं बताया कुछ और बताया। तो मेरे मतलब जो जिमी है उसको मालूम नहीं कैसे पता चल गया इसका नाम क्या है फ्रैंकलिन करके। हाँ तो वो बंदे मेरे को मारने क्यों आए थे क्योंकि इसको तो नॉर्मली कोई जानता नहीं है, उसका नाम भी फ्रैंकलिन किसी को पता नहीं है, और उन लोगों ने सुन लिया कि मैं एक बंदे को पूछा था फ्रैंकलिन किधर रहता है, तो फ्रैंकलिन नाम सुन के वो लोग भड़क गए, वो लोग मारने के लिए उन लोग को अलग फिर दूसरे गैंग का बंदा रहेगा ऐसा वैसा और मारा पीटी करने के लिए आए हैं, इसलिए वो लोग ने मेरे को लास्ट टाइम मार दिया था। वो यही बोला कि उन लोगों ने देखो कोई दूसरा बंदा समझ लिया रहेगा, तो मैं उसको ये बताया कि मैं जिमी का मतलब फादर हूँ, तो बोला अरे हाँ जिमी वो उसका थोड़ा नॉर्मल खास दोस्त है। हाँ ऐसा उसका दोस्ती जिमी और फ्रैंकलिन में है, तो उसने बताया कि आप जिमी का पापा है तो चल जाएगा, और जिमी ने बताया भी था, इसको फ़ोन भी किया था कि मेरे मतलब माइकल आने वाला है तेरे बात करने के लिए ऐसा वैसा, फिर इसलिए उसने आपकी हेल्प की नहीं, तो कोई और ऐरा गहरा बंदा होता ना माइक फ्रैंकलिन हेल्प नहीं करता, वो ऐसा भी बोला और कोई ऐरा गहरा बंदा होता ना मैं तेरी हेल्प मतलब मैं उसकी हेल्प नहीं करता, तू अपना जान पहचान का बंदा है इसलिए तेरी हेल्प कर रहा, तो क्या बोला कि अब मैं बाद में जाके कॉन्टैक्ट से अपने पूछूंगा कि ऐसी ऐसी गाड़ी देखिएगा ऐसा कलर वलर है, तो वो बोला कि मैं फ़ोन करूँगा ना तभी तुम आ जाना फिर से इधर ही, तो यही बोले अपन देखते हैं अभी गाइस को कभी कॉल करते हैं अपने को। तो गाइस चलो आज के लिए इतना ही, फिर देखते हैं माइकल का जब फ्रैंकलिन का जब फ़ोन आएगा तभी अपन जाते हैं उसके पास और देखते हैं वो अपनी गाड़ी ढूंढ पाता है कि नहीं। तो चलो गाइस बाय।